यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 2000 भट फीस है, तो वो 200 रुपए क्यों नहीं लिखा? यहाँ पे लिखो ना एक्सप्रेस वीजा फी 2200, वो 200 कहाँ गए? सो ऑफकोर्स जेब में गए, घूस खा रहे थे। नमस्ते, सत श्री अकाल यार, स्वागत है आप लोगों का नवी वीडियो में। तो मैं हूँ अभी कोलकाता एयरपोर्ट में, मेरी फ़्लाइट थी भाई हैदराबाद से कोलकाता की। आपने पिछली वीडियो में देख लिया होगा अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं ये सीरीज़ को। तो यार हम जा रहे हैं भाई बैंकॉक। तो वियतनाम का मेरा जहाँ का वीज़ा आया था वहाँ पर कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी, 2-3 फ़्लाइट लेके जाना पड़ता इंडिया से। तो समहाउ आई चेंज्ड माई प्लान एंड मैंने थाईलैंड की बहुत ज़्यादा रैंडम ट्रिप प्लान करी। एंड कुछ रीज़न से यार मैं हैदराबाद भी थी 3-4 दिन के लिए, वो आप लोगों को पता चल जाएगा बाद में, अभी मैं नहीं बोल सकती हूँ। तो एनीवेज यार सब बढ़िया चल रहा है और अभी बोर्डिंग शुरू हो रही है, तो इंडिगो से हम फ्लाई कर रहे हैं। ये बहुत बहुत रैंडम प्लान था, आज 7 है एंड मैंने फ़्लाइट 2 या 3 तारीख को ही बुक करी, तो 4-5 दिन में ही सारा प्लान बना है। और बाकी यार बोर्डिंग के लिए चलते हैं अब हम, आई थिंक शुरू हो गई होगी बोर्डिंग अब तो। अरे अभी नहीं शुरू हुई, सब लोग बैठे ही हुए हैं। तो यार ये सीन है भाई एंड बाकी चल के देखते हैं आगे क्या होगा। एंड मैंने यार पिछली वीडियो में पूरी डिटेल शेयर करी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए अभी थाईलैंड जाने के लिए, तो आप लोग देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी पिछली वीडियो का। तो यार बोर्डिंग चल रही है भाई, सर आपका हो गया, आप नीचे बैठ लीजिए, यहाँ पे मत बैठ कीजिए, आएगा आप सीट में बैठिए, आ जाएगा। थैंक यू। यार मेरे को ना ठंड ज़्यादा लगती है तो फ्लाइट में भाई सॉरी हंसने लग गए। यार फ्लाइट में सच में इतनी ठंड लगती है, मैं जैकेट लाना भूल गई हूँ, तो दिक्कत आएगी थोड़ी, लेकिन अब एडजस्ट करना पड़ेगा। या आई हैव अ यूट्यूब चैनल वैंडरिंग विद पेंट, प्लीज सब्सक्राइब। हाँ You are from which place? Kolkata? No, no. Delhi. Delhi, okay. अरे यार फिर तो भाई सब्सक्राइब कर दो, आई एम पड़ोसी, आई एम फ्रॉम अम्बाला। यार 3-4 घंटे की फ़्लाइट होगी, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे। और ये बाहर के यार ये नज़ारे हैं इधर, एंड सही है। बाकी यार इधर आते ज़्यादा लोग वही हैं जिन्हें हिंदी समझ आती है, इंडियंस बहुत हैं फ्लाइट में, तो मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा अजीब भी लगेगा। तो भाई फ्लाइट में बैठे हुए हैं, सफ़र शुरू होने वाला है और रात हो रही है यार बाहर, आप लोग देख सकते हैं। एंड भाई बच्चे बहुत हैं अभी इस जर्नी में, तो न्याणी भी जा रहे हैं यार थाईलैंड घूमने, गजब जिंदगी है। जब हम छोटे थे तो घर से बाहर नहीं निकले थे, बट कोई नहीं सही।
ऐसा दिखता है कुछ ऊपर से बैंकॉक जनाब। आई हैव टू से लाइक रोड जैसे दिख रही है ऊपर से बहुत सही लग रहा है, लाइक किच पिच नहीं दिख रहा ऊपर से तो इस एरिया में एटलीस्ट। बाकी मैंने कुछ वीडियोस में देखा है कि कुछ जगहें किच पिच भी हैं, पर अब जब घूमेंगे तो पता चलेगा। अब खुद देखिए बिल्कुल किच पिच नहीं लग रहा है, स्क्वायर में रोड बटी हुई है। पहली बार है यार, मैं पहले कभी नहीं आई यहाँ पे, और एयरपोर्ट कुछ ऐसा दिखता है। तो मैं म्यांमार तक पिछली बार गई थी 2-3 साल पहले, लेकिन उस टाइम बॉर्डर एरिया पे फ्लड था तो पूरा बस वगैरह ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, तो थाईलैंड आना कैंसिल हो गया था तब। बट आज आए हैं तो पहले इमिग्रेशन क्रॉस करते हैं, फिर आप लोगों से मैं बात करती हूँ। अब चलते हैं भाई इमिग्रेशन की तरफ। फिर सबसे पहले पीछे उन्होंने थाईलैंड पास चेक करा एंड पासपोर्ट देखा, और अब जा रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ। सही है, आके सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म लिया वीज़ा के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है इमिग्रेशन फॉर्म, ये बोर्ड आपको दिख जाएगा, और यहाँ पे सारी डॉक्यूमेंट भाई भरी हैं, और ये थाई भाट है 2000, और फ़ोटो भी लगेगी यार वीज़ा फॉर्म पे, तो ये फ़ोटो है। एंड अब चलते हैं वीज़ा ऑन अराइवल लेने के लिए, और फिर मैं बताती हूँ आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे और क्या क्या डॉक्यूमेंट दिखाए यहाँ पे। गाइज़ मैं एयरपोर्ट से हॉस्टल आ गई थी एंड अभी हॉस्टल में हूँ, और मुझे आप लोगों को एक बात बतानी थी यार, वेरी स्ट्रेंज। एयरपोर्ट पे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे करप्शन था, तो जब मैं इमिग्रेशन के अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने जा रही थी वहाँ पे, तो शी रोट ऑन कैलकुलेटर 2200 थाई भट फीस है वीज़ा की। आई सेड हाउ ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म इट्स 2000, शी सेड नो 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 दिस वन, देन शी सेंट मी समवेयर। तो मैंने वहाँ पे भी पूछा व्हाट इज़ द नॉर्मल फीस, तो बोलते नो नो एक्सप्रेस वीज़ा। सो आई टोल्ड देम आई डोंट नीड एक्सप्रेस वीज़ा बिकॉज एयरपोर्ट इज़ एम्प्टी, आपका एयरपोर्ट भाई खाली पड़े, गिव मी जस्ट अ नॉर्मल वीज़ा। तो फिर भाई बोलते नो 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 बिकॉज ऑफ कोरोना नॉर्मल वीज़ा इज़ नॉट देयर। एंड एक लड़की उससे पहले थी, उसने मुझे बोला यस नॉर्मल वीज़ा इज़ अवेलेबल, रिक्वेस्ट देम टू गिव यू। सो इट वॉज़ वेरी मेस्ड अप एंड दे वर जस्ट मेकिंग एक्सक्यूजेज। सो एंड मेरा लड़ाई करने का या बातचीत करने का उनसे बिल्कुल कोई मूड नहीं था, आई वॉज़ वेरी टायर्ड एक्चुअली, क्योंकि पिछले 1 वीक में आई वॉज़ ट्रैवलिंग कंटिन्यूसली, और लाइक आई वॉज़ एग्जॉस्टेड व्हेन आई वॉज़ एट एयरपोर्ट ऑल्सो। सो 1 वीक से बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करी, एक वेडिंग फंक्शन पे भी थी मैं, तो ऐसे ही मैंने कहा चलो यार जाने दो, बट इट वॉज़ वेरी बैड। मैंने उनको बोला मुझे नहीं चाहिए एक्सप्रेस वीज़ा भाई, नॉर्मल वीज़ा दो, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, मुझे कोई डर नहीं है, आपको जो करना करो। बट दे सेड नो 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 बिकॉज ऑफ कोरोना इज़ फिनिश। एंड उसके बाद आई सेड ओके चलो एक्सप्रेस वीज़ा दे दो आप, कोई बात नहीं, लेकिन ये देखिए आप एक चीज़, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये ब्राइब है और ड्रामा हो रहा है एयरपोर्ट पे। ये उन्होंने मुझे बिल दिया वीज़ा का, है ना, तो मेरे डिटेल्स लिखे क्या, हाँ कुछ लिखा तो है, बट मैं आपको ये देखिए ये दिखाती हूँ। बिल में यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 2000 भट फीस है, तो वो 200 रुपये क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे लिखो ना एक्सप्रेस वीज़ा फ़ी 2200, वो 200 कहाँ गए। सो ऑफ कोर्स जेब में गए, घूस खा रहे थे।
तो कुछ नहीं कर सकते इसका, बट अगर आपके पास टाइम है, सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर हैं एंड आपके पास थोड़ी एनर्जी है लड़ाई करने के लिए, तो ये 200 रुपये मत दीजिए इन्हें। इंडिया के तो शायद 200 से ज़्यादा 500 हैं ऑलमोस्ट, तो 500 रुपये खा लिए यार बताओ, बट कोई नहीं। तो मुझे ये बताने थी, इस पर बात करनी थी। जब मैं एयरपोर्ट गई तो उसके बाद मैं हॉस्टल आई एंड उसके बाद बस सो गई, तो अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ एंड अभी मैं हॉस्टल में ही हूँ। इस कमरे में लाइट नहीं है तो फ़ोन की लाइट से आप लोगों से बात कर रही हूँ मैं। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो। अभी तक मुझे अच्छे से वाइब नहीं आ रही थाईलैंड ट्रैवल करने की, बट आगे देखते हैं क्या होता है। तो आई जस्ट लैंडेड है ना, बट आगे आई होप ट्रिप अच्छा रहे। मैं कभी प्रे नहीं करती कि कोई ट्रिप बुरा जाए, बट सही है, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जाओ जाओ, खुदा हाफिज़।